दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय अमन भला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पठानकोट। लोक निर्माण एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को नूरपुर इंडोर स्टेडियम का दौरा किया। इसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि इंडोर स्टेडियम के संचालन में आड़े आ रहे बजट व स्टाफ की कमी को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने इंडोर स्टेडियम के निर्माण को लेकर पूर्व मंत्री राकेश पठानिया के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए रूरल ओलंपियाड आयोजित करने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर में 40,000 युवा भाग लेंगे। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक की जाएगी, जिसमें उन खेलों को जो कि कैटेगरी सी व डी में है उन्हें एक कैटेगरी में लाया जाएगा। बहुत खुशी है कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिला है। रात्रि प्रवास था और आज मैं यहाँ के जो मेरे विभाग के ऑनगोइंग वर्क्स हैं उसका निरीक्षण किया है। वैसे तो ये तूफानी दौरा था, मगर इसे टाइम टू कम मैंने पहले भी कहा था और हमारे माननीय पूर्व विधायक है अजय महाजन सिंह, उनसे भी मैंने निवेदन किया है कि आने वाले समय में हम एक इस इलाके का विस्तृत दौरा जो है वो करेंगे और जो भी यहाँ के विकास के कार्य चल रहे हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं आदरणीय ठाकुर सुखू जी, उनकी जो एक विजन है प्रदेश में उसको आगे ले जाते हुए, कांग्रेस पार्टी की सरकार को आगे ले जाते हुए जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उनके अध्यक्षता में उसको आगे ले जाना हमारा दायित्व है। और इसलिए फील्ड विजिट्स करना हर इलाके में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, चाहे सड़कों के हैं, चाहे ब्रिजेस के हैं, चाहे बिल्डिंग्स के विकास कार्य चल रहे हैं डिपॉजिट वर्क्स में, और खास करके मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित जो है उनका निरीक्षण करना समय समय पर, ये हमारा प्रथम दायित्व है ताकि समय पर वो सारे काम कम्प्लीट हो, ये हमारा प्रथम दायित्व है। इसके लिए हम समय समय पर आते भी रहेंगे और जो इसके लिए अतिरिक्त बजट है उसका प्रावधान भी करवाएंगे, चाहे वो केंद्र सरकार से मसले उठाने की आवश्यकता है उसको भी उठाया जाएगा और साथ ही साथ क्वालिटी जो है वो अच्छी हो ये भी हमको उसका भी हमको जो है पूरा एम्फेसिस उस चीज़ पे देना है। पिछले कुछ दिनों में कुछ दो तीन घटनाएं ऐसी घटी थी जिसमें कई ब्रिजेस हमारे डिपार्टमेंट के गिरे, कई भरमौर में गिरा, एक सरमौर में गिरा, तो उस पर भी हमने जो है बिल्कुल सख्त कार्रवाई डिपार्टमेंट की ओर से करवाने के मैंने निर्देश इंजीनियर इन चीफ को दिए हैं कि उसमें कोई भी कुदाई जो है वो बर्दाश्त नहीं करवाई जाएगी। एट द सेम टाइम मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि कई जगहों पे जो बेली ब्रिजेस लगाए गए रिकॉर्ड समय के अंदर, रेणुका में मैं गया था पीछे आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 15 दिन के अंदर जो है उसको रिस्टोर करके वापस कार्य किया गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अच्छा कार्य डिपार्टमेंट कर रहा है उसको भी हाईलाइट करना ज़रूरी है, केवल जो कमियां हैं उसी को उजागर करते रहेंगे और उसी को हम वो करते रहेंगे वो भी ठीक नहीं है। एट द सेम टाइम जो अच्छा काम कर रहे हैं दे शुड ऑल्सो बी सपोर्टेड। बाकी जो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे स्वर्गीय आदरणीय सत महाजन जी जो इस इलाके के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं, यहाँ के कर्मदार रहे हैं, उन्होंने इस इलाके को आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया और पूर्व में हमारे विधायक बड़े भाई अजय महाजन जी जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है काफ़ी काम उसमें हो चुका है। इसमें मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है और ना ही इसमें कोई जो है इसमें हमको कोई ये क्लेम करना है कि क्रेडिट हमने लिया है या उन्होंने लिया है। पूर्व सरकार रही, पूर्व सरकार में मंत्री रहे राकेश पठानिया जी, उन्होंने भी इसमें एफर्ट्स किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि उनको भी हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं। हम इसमें नहीं है कि हम हर चीज़ में पॉलिटिक्स करेंगे, उन्होंने एफर्ट्स किए पर नाउ इट इज़ आवर गवर्नमेंट, वी विल टेक इट फॉरवर्ड। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी चाहे स्टाफ की कमी है, चाहे इसमें एडिशनल जो आपको बजट की आवश्यकता है तो उसमें बाहर सिंथेटिक ट्रैक बनना है, एक साइड में PWD इसमें जो है वो शॉपिंग आर्केड बना रही है ताकि उसको सेल्फ सफिशिएंट करवाया जा सके उसके इनकम को और सब चीज़ें उसका, और जो उसमें आपकी बिजली की जो कमी है उसमें ट्रांसफार्मर लगना है या और उसमें दो फेज़ और लगने हैं उसके लिए भी मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर से बात करी है। जो एडिशनल फंड है वो इमीडिएटली उसके लिए सैंक्शन करवा दिया जाएगा। जो हमारे डिपार्टमेंट से होना है YSS से उसको भी मैं वापस जाके शिमला जाके जो नेसेसरी उसमें एक्शन लेने की आवश्यकता है वो किया जाएगा।
बट वी विल इंश्योर कि जो ये यहाँ पे जो बना है स्टेडियम बना है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना है, इसको इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए हो, दैट इज आवर, दैट विल बी आवर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको हम पूरा आने वाले समय में करेंगे। मेरा पूरा सहयोग जो है वो अजय माजद जी के साथ और सभी यहाँ के जो हमारे साथी है उनके साथ इसके लिए रहेगा। और साथ ही साथ अभी जो हमने एक हम एक रूरल ओलंपियाड, ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं, आपने देखा होगा पीछे मैंने उसके बारे में काफ़ी चर्चा शिमला में करी थी, तो उसमें हम इसको हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसको सितंबर अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित करेंगे, जिसमें करीबन 40,000 यूथ प्रदेश के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ऑल इवेंट्स अदर देन क्रिकेट, इसमें हम रूरल गेम्स को प्राथमिकता देंगे। हर ब्लॉक में ये करवाया जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में करवाया जाएगा और फिर उसको स्टेट लेवल पे करवाया जाएगा। तो उसमें नूरपुर इलाके का यहाँ के युवाओं की भी अच्छी पार्टिसिपेशन हो। मैं आपके माध्यम से भी ये अपील यहाँ के युवाओं से करना चाहूँगा कि नशे से दूर रहे, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे, और आज जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो फेम हिमाचल प्रदेश को इसमें मिल रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नूरपुर से बलजीत चंबियाल की रिपोर्ट।